इंडिया की वुमेन्स टीम ने रच दिया है इतिहास और टेस्ट क्रिकेट में पहली बार भारत की इस महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम को हरा दिया है। अब अगर कुछ ही समय पहले की बात करें तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ भी एक टेस्ट मुकाबले को 347 रनों के एक बड़े अंतर से जीता था और अब ऑस्ट्रेलिया को भी भारत की इस महिला टीम ने 8 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया है। अब ये वही टीम इंडिया है जिसने 9 सालों तक इंतजार किया भारत में एक टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए और इसके पीछे कई बड़ी वजह थी, चाहे स्पॉन्सरशिप राइट्स की बात करें या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें, क्योंकि भारत में वुमेन्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था इसलिए अक्सर टेस्ट मुकाबले इंडिया में देखने को नहीं मिलते थे। हालांकि 2021 में टीम इंडिया ने एक टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड जाकर खेला था जबकि एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जाकर खेला था और दोनों ही मुकाबले ड्रॉ में खत्म हुए थे। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत में लौटा तो टीम इंडिया ने पहले इंग्लैंड को 347 रन और अब ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार यह कारनामा किया है और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम को मात दे दी है। अब अगर इस मैच की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और 219 रनों का स्कोरबोर्ड पर खड़ा किया जिसमें पूजा वस्त्रकर के 4 और स्नेह राणा के 3 विकेट शामिल थे। इसके बाद इंडिया ने अपनी पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की और 406 रनों का एक विशाल स्कोरबोर्ड पर खड़ा किया जिसमें स्मृति मंधाना के 74, जेमिमा रोड्रिग्स के 73 और दीप्ति शर्मा के 78 वैल्यूएबल रन शामिल थे। इसके बाद अगर सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 261 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारत के लिए स्टार परफॉर्मर रहती हैं स्नेह राणा, जिन्हें 4 विकेट मिलते हैं। और इसके बाद आखिरी इनिंग्स में टीम इंडिया को एक मामूली सा लक्ष्य चेज करना था और भारतीय टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए और इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम को टेस्ट क्रिकेट में मात दे दी है। अब ऐसे में यहाँ से फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया की ये जो वुमेन्स टीम है ये ऐसे ही आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मुकाबले भारत में खेले और ऐसे ही भारतीय फैंस का नाम रोशन करते रहे। अब टीम इंडिया की इस जीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।